हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, और उससे पहले हमने बात की थी जो दो तरह के कोलिनर्जिक ड्रग्स थे, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में हमने सारे ड्रग्स की बात कर ली थी। देखो, डायरेक्टली एक्टिंग में कौन कौन से थे? एस्टर्स थे, एल्कलॉइड्स थे, और इनडायरेक्टली एक्टिंग में थे ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन एस्टर एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। अब वो दो तरह से इनहिबिट कर सकते हैं, रिवर्सिबली, रिवर्सिबली वाले हमने पढ़ दिए सारे, और एक होता है इररिवर्सिबली अगर एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इररिवर्सिबल इनहिबिट करने वाले में आते हैं कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं जो ऐसे इररिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस होते हैं। तो कार्बामेट्स में मेनली तीन याद रखने हैं, कार्बरिल, एलडी कार्ब एंड प्रोपोक्सर। तो तीन मेन थे, कार्बरिल, एलडी कार्ब और प्रोपोक्सर कार्बामेट्स में। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमारे पास आते हैं मेलाथियोन, पैराथियोन, क्लोरपायरीफॉस और कुछ नर्व गैसेस लाइक टैबून, सेरिन, सोमान। तो कार्बामेट्स में तीन याद रखने हैं, कैसे याद रखोगे? कैप, कार्बरिल, एलडी कार्ब एंड प्रोपोक्सर। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपको मेनली तीन चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी? मेलाथियोन, पैराथियोन और क्लोरपायरीफॉस। उसके अलावा कुछ नर्व गैसेस हैं लाइक टैबून, सेरिन एंड सोमान, ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो दो हो गए, एक कार्बामेट्स हो गए और एक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए। तो ये काम कैसे करते हैं? तो पहले हम देखते हैं कैसा इनका डायग्राम बनता है। तो ये है हमारा एक एंजाइम, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बना रखा है, ये मान लो एक एंजाइम है। मैं फिर से बना देता हूँ इधर, ये मान लो हमारा एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम है, जिसकी दो साइट होती हैं। एक होती है एनायनिक साइट, ठीक है, और एक इसकी होती है एस्टेरिक साइट। मान लो ये हमारा एसिटाइल कोलिन आ रहा है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन ACH। ये एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है एनायनिक साइट से। तो एसिटाइल कोलिन कौन से साइट से बाइंड करता है? एनायनिक साइट पे। और एस्टेरिक साइट पे क्या होता है? एस्टेरिक साइट पे इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जिस वजह से ये टूट जाता है दो हिस्सों में, एसिटेट प्लस कोलिन। तो यही तो काम था एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम का। एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम क्या कर रहा था? एसिटाइल कोलिन को तोड़ दे रहा था, डिग्रेडेशन करवा रहा था। तो कैसे करवाता है? दो साइट्स होती हैं, ये जो मैंने बनाया था पहले, ये हमारा एंजाइम था जिसकी दो साइट्स हैं, एनायनिक और एस्टेरिक। एनायनिक साइट पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है, और एस्टेरिक साइट पे उसकी हाइड्रोलिसिस होती है एसिटेट और कोलिन में। तो यही इस हमारा काम होता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज का। अभी कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कैसे इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, कैसे वो डिग्रेडेशन को रोकते हैं, उसकी बात करें। तो ये एनायनिक साइट है, ये एस्टेरिक साइट है। एनायनिक साइट क्या है? एस्टाइल कोलिन की अटैचमेंट साइट, और एस्टेरिक साइट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टाइल कोलिन करवाने वाली साइट। तो जो कार्बामेट्स हैं वो इन दोनों साइट्स को ही इनहिबिट कर देते हैं, इररिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया। तो कार्बामेट्स एनायनिक साइट और एस्टेरिक साइट पे आके जुड़ जाते हैं और दोनों साइट को इनहिबिट कर देते हैं। तो एस्टाइल कोलिन ना तो यहाँ पे बाइंड कर सकता आके, और ना ही उसका हाइड्रोलिसिस होगा, जिस वजह से एस्टाइल कोलिन बढ़ जाएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेरिक साइट को इनिबिट करते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और एस्टेरिक साइट पे बाइंड करके उसको इनिबिट कर देते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट सिर्फ एक साइट को इनिबिट करेंगे, किसको? एस्टेरिक साइट को। तो उस तरह से वो भी काम तो वही कर रहे हैं ना, एंजाइम को इनिबिट करने का, तो एस्टाइल कोलिन को ये भी बढ़ा देंगे। और जो एड्रोफोनियम और टेक्रीन पढ़ा था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने क्वार्टरनरी अमीन्स की बात की थी, ये भी कार्बामेट्स ही होते हैं एक तरह से, एड्रोफोनियम वगैरह, ये इनिबिट करते हैं एनायनिक साइट को। तो तीनों साइट्स की हमने बात की, दोनों साइट्स को इनहिबिट कौन करता है? कार्बामेट्स। सिर्फ एस्टेरिक साइट को इनहिबिट कौन करता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। और सिर्फ एनायनिक साइट को इनहिबिट करते हैं एड्रोफोनियम और टेक्रीन। लेकिन एड्रोफोनियम टेक्रीन तो रिवर्सिबली इनहिबिट कर रहे थे, और ये इररिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वाला कुछ हद तक रिवर्सिबल होता है, लेकिन बाद में वो भी रिवर्सिबल हो जाता है, और कार्बामेट्स तो होता ही इररिवर्सिबल इनहिबिशन है। तो कैसे, इसकी बात करते हैं अभी। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का इतना ही बात करना था। अब जो इसमें मेन टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, ओपी पॉइजनिंग है, किसी पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्यों आता है? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, या फिर ओपी पॉइजनिंग इसको बोलते हैं। क्यों होती है? क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है, और हमारी स्किन तो पूरी लिपिड से बनी हुई है, तो वो कहीं से भी, किसी भी पार्ट ऑफ द स्किन से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर हाईली लिपिड सोल्यूबल, देयरफॉर एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी बॉडी सरफेस, कहीं से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और हमारी बॉडी में आगे तो इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देंगे एस्टाइल कोलिनेस्टेज को। एस्टाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आएंगे।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों डेंजरस है, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स टाइम आने पे एजिंग कर लेते हैं, मतलब एक शुरू में आते हैं तब तो इनको हटाया जा सकता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज से, लेकिन एक बार अगर कुछ समय बीत गया तो फिर ये हटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एजिंग करते हैं। एजिंग का क्या मतलब हुआ, इसको ध्यान से समझना। ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट था ओपी, जो कि एस्टेरिक साइट पे आके बाइंड किया। अब कुछ समय बाद क्या होता है, जो ये ऑर्गेनिक पार्ट जो था ऑर्गेनोफॉस्फेट का वो हट जाता है, और फॉस्फेट और एस्टेरिक साइट के बीच में फर्दर और ज़्यादा बॉन्ड्स बन जाते हैं, और जिसको बोलते हैं एजिंग। और ये फर्दर और ज़्यादा अगर बॉन्ड्स बन गए तो इसको हटाना नामुमकिन है, मतलब यहाँ पे इसको हटा सकते हैं हम जब ये जुड़ा है, लेकिन अगर एक बार ऑर्गेनिक पार्ट हट गया और फॉस्फेट और एस्टेरिक साइट के बीच में और बॉन्ड्स बन गए फर्दर, तो इसको हटाना नामुमकिन है। इस वजह से ओपी पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है। तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे ओपी पॉइजनिंग में, उसकी और बात करें तो साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहला आता है मस्करिनिक इफेक्ट्स, कुछ निकोटिनिक इफेक्ट्स और कुछ सेंट्रल इफेक्ट्स, तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो भाई ओपी पॉइजनिंग में हो क्या रहा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का काम क्या था वो मत भूलो। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक कोलिनर्जिक ड्रग है एक तरह से, तो एसिटाइल कोलिन को बढ़ा रहा है। एसिटाइल कोलिन कहाँ कहाँ एक्ट करता है, एम रिसेप्टर पे, एन रिसेप्टर पे, सब जगह काम करता है। तो जब वो एम रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर बढ़ा रहेगा तो वो क्या क्या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो मस्करिनिक साइड इफेक्ट में क्या क्या आया था, डंबल्स आपको याद हो, तो क्या क्या कॉज करेगा, डायरिया, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा मियोसिस, बहुत ज़्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ई से एमेसिस बहुत ज़्यादा कर देगा, बी से बहुत ज़्यादा हर्ट रेट को कम कर देगा, ब्रेडीकार्डिया, लैक्राइमेशन करवाएगा, स्वेटिंग करवाएगा बहुत ज़्यादा, और ब्रोंकस के अंदर जो म्यूकस सिक्रीशंस है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मस्करिनिक इफेक्ट में क्या क्या आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, सेलाइवेशन, लैक्राइमेशन, ब्रोंकोस्पैज्म, वोमिटिंग, मियोसिस, ब्रेडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, जो जो एसिटाइल कोलिन करवाता है वही उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे निकोटिनिक साइड इफेक्ट क्या क्या आएगा, मसल में वीकनेस आएगी। अब बहुत ज़्यादा देर तक NM मतलब निकोटिनिक जो रिसेप्टर था, NM रिसेप्टर जो हमने लास्ट वीडियो में मायस्थेनिया ग्रेविस में भी बात की थी, अगर एसिटाइल कोलिन बहुत देर तक उस NM रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो बहुत देर तक मसल की क्या होगी, डिपोलराइजेशन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी प्रोलोंग्ड, और बहुत देर तक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस वजह से मसल की पैरालिसिस हो जाती है, तो मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस कॉज करेगा। और क्या क्या होगा, सेंट्रल साइड इफेक्ट्स आएंगे लाइक हेडेक, कन्फ्यूजन होगा, कन्वर्जन्स आएंगे, कोमा, डेथ, डेथ किस वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हो सकती है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट एक कोलिनर्जिक ड्रग है जो इरिवर्सिबली इनिबिट कर दे रहा है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, जिस वजह से एसिटाइल कोलिन बहुत लंबे समय तक एक्ट करेगा अपने रिसेप्टर पे। जब मस्करिनिक रिसेप्टर मतलब एम रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो ये सारे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बहुत लंबे समय तक निकोटिनिक पे एक्ट करेगा तो ये साइड इफेक्ट, और ब्रेन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालेगा वो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे आप करोगे। तो ओपी पॉइजनिंग का कोई पेशेंट आया, उसकी डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो पूछोगे कि कोई हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक्सपोज हुए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पे, ठीक है। उसके अलावा साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे जो पीछे पड़े हैं, मस्करिनिक साइड इफेक्ट्स पड़े, निकोटिनिक पड़े, वो सब साइंस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। अगर वो हैं तो आप समझ जाओ ओपी पॉइजनिंग का केस है। तीसरा, आप कोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी को देखोगे ब्लड में, अगर कोलिन एस्ट्रेज एक्टिविटी कम हो रखी होगी, मतलब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रखी होगी, तो समझ जाना कि ओपी पॉइजनिंग है, क्योंकि वो एंजाइम इनिबिट हो रखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में एक होता है कुछ जनरल मेजर्स, शुरू में मान लो पेशेंट आए तो सबसे पहले क्या करोगे, और उसके बाद अलग से दवाइयाँ कौन कौन सी दोगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल मेजर्स, जो उस बंदे ने कपड़े पहन रखे होंगे, कॉन्टेमिनेटेड क्लोथ्स जो होंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट से मान लो कॉन्टेमिनेटेड है क्लोथ्स, तो उन क्लोथ्स को रिमूव करोगे, और क्योंकि स्किन के किसी भी पोर्शन से एब्जॉर्ब हो सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो इस वजह से स्किन को वॉश करोगे सोप एंड वाटर के साथ। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक लवाज उसको, उसके जो इंटेस्टाइन है, GIT है, उससे साफ़ करने के लिए गैस्ट्रिक लवाज देंगे जब तक फ्लूड क्लियर नहीं आता। एयरवे को मेंटेन करेंगे, मतलब सांस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़ेगी, और कन्वर्जेंस को रोकने के लिए उसको डायजीपाम देना पड़ता है। डायजीपाम जो है एपिलेप्सी को प्रिवेंट करता है, तो डायजीपाम हम देते हैं कन्वर्जेंस को रोकने के लिए। कैसे देंगे, स्लो IV इंजेक्शन देंगे डायजीपाम का। तो ये सब मेजर्स हम लेते हैं जनरल मेजर्स के अंदर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कपड़े निकालेंगे उसके कंटेमिनेटेड, सोप एंड वाटर से स्किन धोएंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और डायजीपाम देंगे।
अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जनरल मेजर्स हमने ले लिए, अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। तो मेनली पहले स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए पहले हमें जानना होगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कर क्या क्या रहा है। तो क्या कर रहा था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा रहा था। तो एसिटाइल कोलिन बढ़ के क्या करेगा, वो जो भी एक्शन एसिटाइल कोलिन करेगा तो वो कैसे करेगा, अपने रिसेप्टर पे एक्ट करके। तो पहला हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके रिसेप्टर्स को इनिबिट कर दो, उसके रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दो। अगर रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो बढ़ा हुआ एसिटाइल कोलिन कहाँ एक्ट करेगा, बेचारा कहाँ जाएगा काम करने, और काम कर नहीं कर पाएगा तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया एक तरह से सिम्टोमेटिक रिलीफ। दूसरा, जो कोलिनेस्टेज एंजाइम जो था, जो इनहिबिट कर दिया था जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ने, उसको रीएक्टिवेट करना। अरे भाई, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का काम क्या था, उसने इनहिबिट किया था एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को, ये हमने मैंने बता दिया आपको, और इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया था, और इसको इनहिबिट करके उसने एसिटाइल कोलिन को बढ़ा दिया था। और एसिटाइल कोलिन बढ़ा हुआ एक्ट करता है अपने रिसेप्टर पे, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो एक तो हम क्या करेंगे कि एसिटाइल कोलिन तो बढ़ गया, जो बढ़ना था बढ़ गया, लेकिन ये जहाँ एक्ट कर रहा है उन दोनों चीज़ों को ही अगर हम इनहिबिट कर दें, तो इन दोनों को ही अगर हम इनहिबिट कर दें, पहला पॉइंट माइनस का मतलब है इनहिबिट करना। दूसरा, जो एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिट हो रखा था इसको दोबारा से बढ़ा दें, इसको एक्टिवेट कर दें। दो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कैसे करोगे, तो एंटी मस्करिनिक ड्रग दे दो, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे दो। उसमें हमने अब तक एक ही ड्रग मैंने आपको अब तक बताया, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है ओपी पॉइजनिंग के केस में, क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। तो एट्रोपिन देते हैं 2 मिलीग्राम IV देते हैं, स्टेट 2 मिलीग्राम IV स्टेट देते हैं, और हर 5 से 10 मिनट बाद इसकी डोज को डबल करते हैं जब तक एट्रोपिनाइजेशन ना हो जाए। अब भैया, एट्रोपिनाइजेशन क्या बला है, एट्रोपिनाइजेशन है एट्रोपिन के कारण जो जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे से ना आ जाएं तब तक इसको देते रहेंगे। अब क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक है, तो जो जो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स थे उससे उल्टे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। एसिटाइल कोलिन मियोसिस कर रहा था तो एट्रोपिन क्या करेगा, माइड्रेसिस करेगा। एसिटाइल कोलिन ब्रैडीकार्डिया कोज कर रहा था तो ये टैकीकार्डिया कोज करेगा, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ाएगा। जो एसिटाइल कोलिन है वो डायरिया कोज कर रहा था तो ये कॉन्स्टिपेशन कोज करेगा एट्रोपिन। और एसिटाइल कोलिन ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बढ़ा रहा था तो ये उसको ड्राई कर देगा। तो ये चार चीज़ें आप मेनली याद रखना, एट्रोपिनाइजेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, मिड्रियासिस, टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन और ड्राइनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन। और सबसे मेन है ड्राइनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, जिसको माना जाता है डेफिनेटिव एंड मोस्ट रिलायबल साइन, मतलब बाकी तीनों आ गए हैं तो भी हमें एट्रोपिन देना ही है जब तक ब्रोंकियल सिक्रीशंस बिल्कुल ड्राई ना हो जाएं। जब तक ये ड्राई नहीं होती जब तक एट्रोपिन देना है। कैसे देना है, सबसे पहले तो 2 मिलीग्राम IV स्टेट दिया, फिर जब भी देंगे उसकी डोज को डबल करेंगे, हर 5 से 10 मिनट बाद देंगे डोज डबल करके, मतलब पहले 2 दिया तो 4 मिलीग्राम देंगे 10 मिनट बाद, फिर 6 मिलीग्राम इस तरह से या 8 मिलीग्राम ऐसे डबल कर करके इसको डोज को देते रहेंगे जब तक एट्रोपिनाइजेशन नहीं हो जाती। तो ये तो हो गया सिम्टोमेटिक रिलीफ। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को रिएक्टिवेट करना, और रिएक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं ऑक्साइम्स। यही एक इकलौता इसका ऐसा ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को रिएक्टिवेट कर सकता है, और इसको देते हैं सिर्फ और सिर्फ ओपी पॉइजनिंग में ही, इसको कार्बामेट पॉइजनिंग में नहीं देते। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, CI का मतलब यहाँ पे है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो मैं बता रहा हूँ फिर से, जो मैंने यहाँ पे CI लिखा है इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब कार्बामेट पॉइजनिंग में गलती से भी ऑक्साइम्स नहीं देने हैं। कार्बामेट पॉइजनिंग में ऑक्साइम्स कभी भी नहीं देने, और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा पेशेंट। और ऑक्साइम्स देने कम है सिर्फ और सिर्फ ओपी पॉइजनिंग के केस में देने हैं, वो भी कब, जब तक एजिंग नहीं होती। मैंने बताया था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, एक बार अगर एजिंग हो गई तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को आप रिमूव नहीं कर सकते एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम से, लेकिन अब तक एजिंग अगर नहीं हुई है तो आप दे सकते हैं ऑक्साइम्स। कौन कौन से ऑक्साइम्स के एग्जाम्पल हैं, प्रेलिड ऑक्साइम, ओबिड ऑक्साइम और डाईसाइल मोनोक्साइम, ये एग्जाम्पल हैं ऑक्साइम्स के। ऑक्साइम्स एक कैटेगरी है जिसमें मेनली 3 ड्रग याद करने हैं, प्रेलिड ऑक्साइम, ओबिड ऑक्साइम एंड डाईसाइल मोनोक्साइम। तो ये ऑक्साइम्स क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम से ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिमूव कर देंगे और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम फ्री हो जाएगा अगर एजिंग नहीं हुई होगी तो। और कार्बामेट पॉइजनिंग में क्यों नहीं देते उसके मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ करते क्या है ऑक्साइम्स। ऑक्साइम जाके बाइंड करते हैं एनायनिक साइट पे। अब ये एनायनिक साइट मैंने शुरू में ही बताया था वीडियो के, 2 तरह की साइट थी, जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम था 2 साइट थी, एक एनायनिक साइट और एक एस्टेरिक साइट। ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है
तो जो हम ओग्जाइम्स देंगे वो ओग्जाइम्स कहाँ जाके बाइंड करेंगे, वो ओग्जाइम्स एनायनिक साइट पर जाके बाइंड करेंगे और यहाँ बाइंड करके ऑर्गेनोफॉस्फेट को यहाँ से भगा देंगे एस्टेरिक साइट से। तो यही काम होता है ओग्जाइम्स का, दे बाइंड टू एनायनिक साइट ऑफ कोलिनएस्टेज एंजाइम, CHE का मतलब है कोलिनएस्टेज एंजाइम, एंड रिमूव्स द ऑर्गेनोफॉस्फेट फ्रॉम द एस्टेरिक साइट, उसको हटा देंगे। लेकिन कार्बामेट में क्यों नहीं देते इसकी बात करें तो कार्बामेट जो है मैंने बोला था वो एनायनिक और एस्टेरिक साइट दोनों को इनहिबिट करते हैं, तो ओग्जाइम बेचारा आके बाइंड कहाँ करेगा। ओग्जाइम्स काम कैसे करता है, एनायनिक साइट पे बाइंड करके, और ये दोनों साइट तो खाली नहीं है, दोनों को कार्बामेट घेर के बैठा है, तो ऑर्गेनो जो ओग्जाइम्स है वो कहीं बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो वो कार्बामेट को रिमूव क्या कैसे करेगा। और दूसरी बात, अगर जो ओग्जाइम दिया वो यहाँ पे तो बाइंड नहीं कर सकता, तो वो ऐसे किसी कोलिनएस्टेज एंजाइम पे बाइंड कर जाएगा जो खाली है, जिस पे कार्बामेट बाइंड ही नहीं किया अब तक, और वो फर्दर और ज़्यादा कंडीशन सीवियर कर देगा क्योंकि वो एनायनिक साइट को ब्लॉक करता है। भाई ओग्जाइम काम कैसे कर रहा है, एनायनिक साइट पे बाइंड करके। अगर कार्बामेट पॉइजनिंग है तो जो ओग्जाइम उसको जगह ही नहीं मिली बाइंड करने की, यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और जगह ढूंढेगा, तो कोई ऐसा एंजाइम जो है जो खाली होगी जिसकी दोनों साइट्स, वहाँ पे जाके वो बाइंड कर जाएगा एनायनिक साइट पे और उस एंजाइम को भी इनहिबिट कर देगा, जिस वजह से कंडीशन सीवियर हो जाएगी। इस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कार्बामेट पॉइजनिंग में कौन, ओग्जाइम्स। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में दो चीज़ें थी, एट्रोपिन देंगे और दूसरा देते हैं ओग्जाइम्स, ओपी पॉइजनिंग के कंडीशन में ही देते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ये हमने बात की इरिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टेसिस की, और इस तरह से हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की, एट्रोपिन, हायोसिन, इन सब की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।